बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव भी तैयार है लड़ने के लिए। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि खेसारी जी भी काउंटर बचाव तो करेंगे अपना, खेसारी जी को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसे ऐसे फैंस पोस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे मैसेज भी इधर उधर से हो रहा है। लेकिन मैं आपको लॉजिकल कुछ समझाने वाला हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो को अभी से लाइक करना चालू कर दो। नमस्कार, मेरा नाम दयाशंकर ओझा है, आप देख रहे हैं दयाशंकर ओझा चैनल। देखो, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। खेसारी लाल यादव जी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, सबके साथ उनका अच्छा रिलेशन है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आज खेसारी लाल यादव छोटे छोटे चैनलों के साथ गाना नहीं गाएंगे 3 महीने तक, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान खेसारी जी को होने वाला है, फैंस को भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि भाई लोग, गाना आपको उस लेवल का उतना जल्दी जल्दी जो गाना आता था आप नहीं सुन पाओगे। तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अरे खेसारी लाल यादव का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, खेसारी लाल यादव शेर है, फलाना है, ढिंका है। तो आपको मैं समझाने वाला हूँ लॉजिक से कि देखो, कानून की जब प्रतिक्रिया होती है ना, तो कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी महारथी हो, उस टाइम वो फंस जाता है। आप ये मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं खेसारी फैंस को डिमोटिवेट कर रहा हूँ। नहीं, अगर खेसारी जी की गलती होगी तो मेरा सजेशन बड़ा सिंपल है कि इस गलती को तरीके से बैठ कर म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ इसे हल कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई ना जीत सकता है ना कोई हार सकता है, यहाँ हार जीत की बात नहीं है, यहाँ कानूनी बात है कि अगर आप मुझे बॉन्ड पे साइन करा लेते हो, आप उसके लिए पे करते हो, तो जितना दिन आप जैसे बोलोगे मैं वैसे काम करूँगा, दिस इज़ द रूल, क्योंकि आप बॉन्ड पे यही लिख रहे हो। तो इसी हिसाब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि सारे कंपनियों को हड़का दिया है। नहीं तो सोचो ना यार, इतनी बड़ी कंपनी है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, आप सोचो, इतनी इतनी ज़्यादा कंपनी को नोटिस भेज दिया, इतने लोगों का गाना उड़ा दिया, सबका गाना उड़ाते जा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो बात में सच्चाई होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि खेसारी जी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये चीज़ को हल कर लेना चाहिए। क्योंकि खेसारी जी अगर ये सब चक्करों में पड़ गए तो गाना कब गाएंगे, फिल्म कब करेंगे, एंटरटेनमेंट कब देंगे। तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा लॉजिक बोल रहा हूँ, सोच के देखना कि ये सब चीज़ों में फंस के फायदा नहीं है। कंपनी के साथ बात कर लीजिए कि भैया 3 महीने की जगह 1 महीना कर दो, 2 महीना कर दो, गलती हुई है या नहीं भी हुई है। क्योंकि देखिए, भोजपुरी के सभी पार्ट हैं और थोड़ी बहुत अनबन होती है, हम लोगों को सॉर्ट आउट करके अपने काम पर ध्यान देना है और भोजपुरी को बड़ा करना है। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा एडवाइस है, आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना वीडियो, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।